उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समर्थकों और पदाधिकारियों ने फैसल रजा दद्दा के आवास पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के चित्र को केक खिलाकर एक दूसरे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। रविवार की देर शाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता फैसल रजा के आवास पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया गया, साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना भी की। इस दौरान समारोह में बोलते हुए बसपा नेता फैसल रजा अंसारी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में पूरे दमखम के साथ वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेंगी, कि बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों को भी घोषित करेगी। कहा कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ पुनः बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएगा। इस दौरान डॉक्टर चरण सिंह, जिला सचिव रण सिंह भारती, विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष महासचिव शिवम सागर, काजल, अमन शर्मा, रवि प्रताप, पंकज, अर्जुन, सौमिला प्रताप, वासु शर्मा, केशव शर्मा, अरविंद दीपक रोहेला, वंश रोहेला, आशु सोनू रोहेला, अमित सक्सेना, तुषार सिंह, लकी सिंह, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद जैब, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद फैजान मुस्तफ़ा, अर्श अब्दुल्ला, जुनैद मुस्तफ़ा, मोहम्मद आरिश सैफी, इकराम सिद्दीकी, शोएब, मोहम्मद अली व सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। जमीन का साथ देने के लिए प्रवास करता हूँ, सियासत जंग है इस दौर में, ए जमहूरियत वालों, बिलारी की चेयरमैनी से इस जंग का आगाज करता हूँ। जवान साथियों, खुश और बुजुर्गी का तजुर्बा, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आप कसम से कि हर जंग आपकी फतेह हो जाती है। ये तो बहुत छोटी जंग है। और मेरे भाइयों, आज बहुजन समाज पार्टी की नेता, इस हिंदुस्तान की मजबूत लीडर, हिंदुस्तान की बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है आज 67वां। उसी को आज हम सब लोग साथ में मिलकर बना रहे हैं, केक काट रहे हैं, और इस खुशी के मौके पर आप सब लोग मेरे घर पर आए, इसके लिए मैं फिर दोबारा आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि मेरे भाई, बिलारी का इलेक्शन शुरू हो चुका है, लोग कह रहे हैं चुनाव टल गया, मैं कह रहा हूँ चुनाव टला नहीं, चुनाव अपने सही टाइम पे हो रहा। चुनाव जिस वक्त लोग सोच रहे थे उस वक्त था ही नहीं, चुनाव तो आज जो आप सही पैटर्न है उसी पर सही वक्त में होने वाला है। और अल्लाह के करम से मैं पहलवान हूँ, आप सब जानते हो, यहाँ पे ज्यादातर लोग बिल्डर बैठे हैं, तो मैंने तो लंगोट बांध लिया भाइयों, अखाड़े में आऊंगा। तो आप जब दिल चाहे, जब कुश्ती हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे साल भर लगे, छह महीने लगे, आठ महीने लगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हर बार अखाड़े में दबदा। और मेरे भाइयों, ये इलेक्शन मैंने जिस दिन पहले दिन मीटिंग करी थी, मैंने तब भी ये वाली बात कही थी और आज फिर ये वाली बात कह रहा हूं, कोई शख्स जिस पेशे से जुड़ा होता है, जिस लाइन से जुड़ा होता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी के 25 साल दे दे, और अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो अपने उन्हीं हमदर्दों को तो इकट्ठा करेगा, उन्हीं तो उन्हीं के पास तो जाएगा जिनसे उसके 25 साल में ताल्लुकात बने होंगे, जिन पे 25 साल में उनका दबदबा होगा उसके ताल्लुकात होंगे। तो तुम सब गवाह हो इस बात के, पूरी बिलारी जानती है कि दद्दा ने 25 साल में जिम के अलावा क्या करा। तो मेरे चुनाव को लड़ाने के लिए मैं किसी पहलवान के अलावा किसी और पे जाऊं, किस पे जाऊं बताओ, तुम सभी तो लड़ाओगे मेरा चुनाव, और कौन लड़ाएगा।